सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 2019 से रिलेटेड यानी कि उसके एग्जाम से रिलेटेड हमारी न्यूज़ निकल कर आई है कि आवेदन अगले सप्ताह। इसके अलावा इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने आपको डेट बताई थी 5 तारीख, जो कि एक अनुमानित तिथि थी। देखिए उसी के आधार पर यहाँ पर एक सप्ताह तक यानी कि अगले सप्ताह तक जो है एक एक्सपेक्टिंग डेट बताई गई है। क्या है न्यूज़, चलिए बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने के आसार हैं। यहाँ पर भी अभी तक आसार ही लिखा है। इसके मैंने आपसे पहले भी बताया था, यहाँ कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, सारी चीज़ें एक्सपेक्टिंग पर ही चलती रहती हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा कराने का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसके मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था। इसका अनुमोदन होते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि टीईटी की परीक्षा राज्य 2 बार करा सकते हैं, लेकिन यूपी में यह परीक्षा केवल मुश्किल से 1 बार ही हो पा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि यूपी टेट के लिए दशहरे बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो क्लियर तरीके से लिखा गया है। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है, उसके आधार पर पर कब हो सकता है, तो उस आधार पर आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टिंग ही होती हैं, तो आप मान के चलिए इसका थोड़ा आगे पीछे जो है वो हो सकता है। आगे देखें तो शासन को परीक्षा की संभावित तारीखों का संशोधित प्रस्ताव भेजा जा रहा है। परीक्षा दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में कराने की तैयारी। इस बार भी आवेदनों की संख्या जो है वो अधिक हो सकती है, क्योंकि जैसा कि सभी सेमेस्टर वालों को शामिल कर लिया गया है। और यही न्यूज़ देखिए दूसरी जगह भी प्रकाशित हुई है, यूपी टीईटी 2019 के लिए अक्टूबर नवंबर से आवेदन। यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर के बीच जो है वो समय बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग दोनों न्यूज़पेपर, आज ही का न्यूज़पेपर, और दोनों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक में दशहरा के बाद बताया, एक में अक्टूबर से नवंबर तक के बीच बताया गया। तो एक अंदाज़ा जो है आपको यहाँ से लगाने में हेल्प मिलेगी, और बाकी अंदर जो है वही सारी चीज़ें लिखी जो ऊपर लिखी थी। तो यही था हमारी आज की न्यूज़ में, मेरा काम है आपको अपडेट रखना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।